हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मुझे मिल चुका है कक्षा 12वीं का विषय रसायन शास्त्र सेट ए, जो आपका 16 सितंबर को जो पेपर होने वाला है। तो ये पेपर मुझे स्कूल से एक जन ने फोटो निकाल के भेजी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया जाए तो आपको ये अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग समझ में आ सके कि हमारे जो 16 सितंबर को जो पेपर होने वाला है उसमें क्या क्या आने वाला है। ठीक, तो चलिए शुरू कर दे। तो सब प्रथम स्टूडेंट्स, आप लोग सामने रहेगा इस प्रकार से पेपर रहेगा, जो आप देख सको। यहाँ पर आप लोग सामने पूर्ण अंक रहेगा आपके 70 नंबर का, कितने नंबर का 70 का, और समय आपके पास 3 घंटे रहेंगे। सब तो रहेंगे आपके सही विकल्प, जो आपके 7 नंबर आने वाले हैं, तो इनको हम पहले सबके सही विकल्प करवा देते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप लोग सामने लिखा है, शुद्ध जल की मौलता है, जो शुद्ध जल होती है तो उसकी मौलता कितनी होती है, तो उसका ऑप्शन का ऑप्शन सही हो जाएगा 55.6। ठीक, दूसरा है बेलन की चालकता निर्भर नहीं होती है, तो यहाँ पर नहीं पूछा तो किस पर निर्भर नहीं होती, तो विकिरण पर नहीं होती, यानी कि घड़ी का सही ऑप्शन है। ठीक, चला किसी इलेक्ट्रॉन का अपचयन विभव ज्ञात किया जाता है, जो किसी इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका ऑप्शन किस किया जाता है, तो नल समीकरण गा ऑप्शन आपका सही है। चौथा लगा अधिशोषण क्रिया है, तो अधिशोषण क्रिया कौन सी है, तो ऊष्मा से भी है। ठीक, ऊष्मा शोषी। पाँचवा है बॉक्साइड एक्स है, बॉक्साइड एक्स क्या है, तो ए आएगा, ए एल का एल्यूमिनियम का। ठीक, तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर मैंने 5 आपके विकल्प बता दिए। चलिए हम छठवां देखते हैं। इसी प्रकार से छठवां लगा है किसी एक्स में लोहा व तांबा दोनों होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसमें आप लोग होंगे कैसे होते हैं, तो इसमें लोगों कॉपर पायरेट इटिज, क्या कहते हैं, कॉपर पायरेट इटिज मतलब सही हो जाएगा। सातवां आप लोग सामने वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सभी को पता है नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, यानी घाघरी का सही ऑप्शन हो जाता है। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट को, नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थान हम पूर्ति करते हैं आप लोग सामने। जैसे पहला लिखा है मात्रक होता है, तो इसमें लोग आप लोग मोल प्रति किलोग्राम ब्लैक, किलोग्राम ब्लैक। ठीक, इस प्रकार से लिख देंगे। अगला आप लोग सुनने आप दूसरा ला, ताप में वृद्धि करने से गैसों की तीव्रता में विलयता होती है, तो कैसे होती है, तो घटती है। ठीक, इसमें लोग घटती है। फिर आप अगला है तीसरा वाला मौलता, दो तीसरा लिखा है मौलता के ताप में वृद्धि करने से गैसों की तीव्रता में कैसे होते हैं, तो इसमें भी आप लोग घटती है। चौथा है व्यंजक चूर्ण में गैस की गंध आती है, तो कैसी है, कैलकुलोजन की, कैसी, कैलकुलोजन की आती है। अगला देख लेते हैं, अगला है पाँचवा चालकता का व्युत्क्रम है, चालकता का व्युत्क्रम कैसी है, तो आप लोग हुए यहाँ पर क्यों साहब ना, हाँ पाँचवा है, तो चालकता प्रतिरोध है। ठीक, प्रतिरोध लिख देंगे। छठवा है समूह 16 के तत्वों को कहते हैं, तो समूह 16 के तत्व को क्या कहते हैं, कहते हैं ऑक्साइड बनाना। ठीक, ये पहले हुए, एक मिनट, 16 के तत्व क्या कहते हैं, कहते हैं हम कैलकोजन। ठीक, कैलकोजन कहते हैं, कैलकोजन। ठीक, एक मिनट, कैलकोजन कहते हैं। ठीक, छठ में लोग कैलकोजन कहते हैं। और सातवां लिखा आप लोग सामने यहाँ पर निष्पादन क्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसमें लोगों के ऑक्साइड बनाना। ठीक, ऑक्साइड बनाना। ठीक, इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार से मैंने बता दिए जो समूह 16 के तत्व कहते हैं हम कैलकोजन, और इसे कहते हैं हम लोग, इसमें रहोगे हम लोग ऑक्साइड बना। ठीक, वैसे हमने प्रतिरोध भाई दिया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आलू सामने यहाँ पर तीसरा वाला, जिसमें हमको एक शब्द एक वाक्य आंसर कंप्लीट करना है, तो एक शब्द एक वाक्य आंसर आप लोग सामने ये रहे, जो मैं आपके सामने यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा। फिर दूसरा व्यक्त करने की इकाई लिखिए, कल हुए PPM। किसमें जल में क्यों फूल जाती है, तो लोग हुए पराशरण दाब के कारण, क्या, पराशरण दाब। ठीक, पराशरण दाब के कारण। ठीक, अगला आप लोग सामने है गगनमला का विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, तो कहलाती है विद्युत अपघटनी। ठीक, अगला है आप लोग सामने यहाँ पर घाघड़ी का, जिसमें लगा घाघड़ी में सेल के EMF को किसके द्वारा मापा जाता है, तो घाघड़ी का हो जाएगा आपके सामने विभव मापी द्वारा। ठीक, अगला एड़ा वाला, जिसमें लगा है नीला थूथा का सूत्र है, तो नीला थूथा का सूत्र क्या है, COSO4 फिर SH2O। ठीक, इस प्रकार से हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे अगला हो जाता है, यहाँ पे मैं थोड़ा इस विंडोज को यहाँ पर कर लेता हूँ। अब सही है,
जो जब भी मैं अपने वीडियो के कमेंट रीड करता हूँ तब आपकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि सर जो पेपर आपने अभी हमें बताया है वीडियो के माध्यम से इसका हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए और इसकी सॉल्यूशन की भी पीडीएफ फाइल दे दीजिए। तो फाइनली मैं आपके लिए बता रहा हूँ किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसके सॉल्यूशन जो पेपर मैंने बताया उस पेपर का डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे आकर यहाँ पे टाइप करना होगा आपको studynotespj.com, ठीक है। तो अपने मोबाइल में यहाँ पे आपको टाइप कर लेना होगा studynotespj। जैसे आप studynotespj सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका studynotespj.com। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि नंबर वन प्लेटफॉर्म थर्मासिक पेपर जो सॉल्यूशन है उसके लिए यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे देखिए जॉब वाइज क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको देखेगा एमपी बोर्ड, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपको देखेगा एमपी बोर्ड, तो एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेगा मध्य प्रदेश बोर्ड थर्मासिक परीक्षा असली पेपर हल पीडीएफ 2024, ठीक है। तो यहाँ से आपको थर्मासिक पेपर भी मिल जाएंगे और पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों अब यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा इस टेबल को। तो देखिए अगर आप कक्षा 9वीं में है तो आपके पेपर जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, सारे के सारे। और अगर आप कक्षा 10वीं में है तो आपके पेपर यहाँ पे नीचे वाली तालिका में दिए गए, मतलब 10 के नीचे 10 के पेपर है, 11 के नीचे 11 के हैं, इसी प्रकार से 12 के नीचे 12 के हैं। अभी मैं आपको किसी एक कक्षा का बता देता हूँ, सभी कक्षा के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो कक्षा 11वीं के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का हम देखेंगे तो विद्यार्थी कक्षा 11वीं हिंदी के लिए यहाँ पे दो सेट का अवेलेबल है, सेट ए और सेट बी। तो अभी के लिए मैं सेट ए आपको दिखा देता हूँ, सेट बी का आप डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आप कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं सेट बी पे क्लिक, सेट ए पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेट ए पे क्लिक किया यहाँ पे देखिए 13 सितंबर का असली पेपर पीडीएफ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का ये दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद विद्यार्थियों ये देखिए बिल्कुल असली पेपर डाला हुआ, देख लीजिए पूरा पूरा पेपर है। तो यहाँ से पूरा पेपर आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो डेट वगैरह देख सकते हैं किस तारीख का आपका पेपर है, ठीक है। यहाँ पे पूरा टाइम टेबल डाला हुआ है, पूरा पेपर आप देख लीजिए। सबसे पहले देखते जाइए, मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा आपको संपूर्ण पेपर दिख जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आपको देखने के मिलेगा, सभी क्लास के पेपर संपूर्ण पेपर आपको देखने के मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप थर्मासिक के टाइम टेबल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से टाइम टेबल रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी देखने के मिल जाएगा क्या क्या आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 13 सितंबर को आपका यहाँ पे पेपर है, ठीक है। सब कुछ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। देखिए मेन पॉइंट आपका यही है कि देखिए ये जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण स्टेप जो दिए गए हैं थर्मासिक पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने होंगे तभी आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 25 सेकंड आपको रुकना होगा, तब आपको हला कलर का जो है डाउनलोड का बटन देखेगा। तो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी 25 सेकंड से ज्यादा यहाँ पे वेट कर चुके, इसलिए डाउनलोड का बटन शो हो रहा है। अब इस डाउनलोड के बटन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन की पीडीएफ आ चुकी है। इसी प्रकार से पेपर की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे फोटो जो नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सही जुड़िया बनानी है। एक मिनट नीरस होता हो गया, आप एक मिनट फेंक लाइफ का लूनन कोष्टक किसे कहते हैं, लूनन कोष्टक किसे कहते हैं। तो चार चम्मच कहते हैं इसमें लोगों सिल्वर नाइट्रेट को क्या लिखे, इसमें लिखे सिल्वर नाई ट्रेड नाइट्रेट को। छा छा तक है ऐसे तत्व जो है शुगर नंबर कहते हैं क्या कहलाते हैं, तो लोग हुए कैलकोजन, कैकलो कैल को कैकोजन कैकोजन, ठीक। इसके बाद पढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट आप सही जोड़ियाँ, सही जोड़ियाँ आपके सामने इस प्रकार से दी गई हैं। जब आप देख रहे हो यहाँ पर सही जुड़ियों में बनाना हमें सही जुड़ियाँ, तो हम सही जुड़ियाँ आपके सामने बनाने वाले हैं। तो जैसे कि पहला लिखा आप सही जुड़ियाँ हैं, तो पहला लिखोगे आप लोग 65 धाप, तो 65 धाप का नाम हुए वाल्ट होप का नियम। फिर ठोस विलयन, ठोस विलयन का नाम हुआ ठोस प्रवता में विचलन, तो लिखोगे इस बारे में झाग उत्पालन ZNS का सज्जीकरण। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम बॉक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड पांचवा हो जाएगा प्रयोगशाला अभिकर्मक। व्यंजक सूत्र, व्यंजक सूत्र का है प्रयोगशाला अभिकर्मक, ठीक। ये जो व्यंजक सूत्र का है छठवा, छठवा हो जाएगा CaCOCl2, तो ये आपका व्यंजक सूत्र। और इसका तो आप सही लोग जानते हैं, माना खंडों में इलेक्ट्रॉन प्रभाव होता है 0 वोल्ट। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सही जुड़ी आपकी कंप्लीट करा दें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन है, जब देख सकते हो इन क्वेश्चन को हम अपनी करना चाहते हो तो इनको हम करवा देंगे आपके। तो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से पूरा आंसर है आप लोग सामने, क्वेश्चन है इन सही क्वेश्चन। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग कुछ नहीं करना, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने इन सभी की ला रहा हूँ, क्योंकि अभी बताता हूँ तो वीडियो भी बड़ा हो जाती। तो इस प्रकार से मैं इनके आंसर ढूंढ कर मैं ला रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।